वाइज वेलकम टू टेक विला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वैसे तो सोशल मीडिया ने जो है आज के यूथ को एक मोबाइल के अंदर कैद करके रख लिया है, क्योंकि यूथ जो है अपना मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया में बिताता है और वीडियोस देखता रहता है। तो हम आज बात करने वाले हैं टॉप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या टॉप सोशल मीडिया ऐप इन इंडिया 2023 में। तो 2023 जो है दोस्तों, उसके अंदर में सबसे ज़्यादा जो हलचल जिन ऐप्स में मचा के रखी है और सबसे ज़्यादा यूज़र जिनको यूज़ कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा टाइम अपना जहाँ स्पेंड कर रहे हैं, उन ऐप के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो मोस्टली दोस्तों जो ऐप्स हैं, इनमें मैं ऐसे ऐप्स के बारे में बात कर रहा हूँ, खासकर ऐप्स के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों। इसमें ना मैं डाउनलोड्स की बात कर रहा हूँ, ना मैं यहाँ पे यूज़र का जो इंटरेस्ट है उसकी बात कर रहा हूँ, या मेल फीमेल के रेशियो की बात कर रहा हूँ। यहाँ सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ कि जो पॉपुलर हैं, जो वायरल हुए हैं ज़्यादातर ऐप, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक्स का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ट्विटर जो है पूरे टाइम जो है, मतलब खासकर अगर माना जाए जो इंडिया की पॉलिटिक्स है या जो बड़े बड़े हमारे इंडिया के सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका जब भी कोई बयान आता है, कुछ होता है, तो सारी हलचल जो है, सारी जो चीज़ें होती वो एक्स ऐप में होती है, मतलब कि ट्विटर ऐप में होती है। तो इसलिए मैं इसको जो है रैंक देना चाहूँगा 5th नंबर में मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया इन 2023 में। इसके बाद में नाम आता है दोस्तों हमारा स्नैपचैट का। स्नैपचैट को 4th नंबर में इसलिए रखना चाहता हूँ दोस्तों क्योंकि स्नैपचैट जो है अभी उभरता हुआ एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि अभी आप लोगों को, जिनको नहीं मालूम है, आजकल जो टीन्स हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, मतलब कह लीजिए कि जो अप्रोक्सीमेटली होने वाले 18 प्लस होने वाले लोग हैं, वो सारे जो टीन्स हैं वो मोस्टली आपको स्नैपचैट में मिलेंगे। वो अपने क्या क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक एक इंस्टेंट को वो जो है वहाँ पे शेयर करते हैं। तो जो मैंने पॉपुलैरिटी इनके बीच में देखी है स्नैपचैट की, वो कहीं और नहीं देखी है। तो 4th नंबर में नाम आता है दोस्तों स्नैपचैट का। इसके बाद में नाम आता है दोस्तों टिकटॉक का। भले ही टिकटॉक को इंडिया के अंदर में बैन कर दिया गया है, फिर भी जो है कुछ कुछ प्लेटफॉर्म में किसी किसी तरीके से टिकटॉक को यूज़ किया जा रहा है इंडिया के अंदर में भी। और अगर 2023 की ही बात की जाए, क्योंकि इसी के अंदर में जो है टिकटॉक को बैन किया गया था, या 2022 में भी एक बार बैन किया गया था, तो यहाँ पे हमारा जो पॉपुलैरिटी है, जो हलचल मचाने वाला, अगर अभी इस टिकटॉक बैन नहीं हुआ होता दोस्तों, तो जितने भी टॉप में आपको ऐप देखने मिल रहे हैं वो सारे पीछे रह जाते और टिकटॉक ही नंबर 1 में आ जाता। क्योंकि इंडिया ने इसे बैन किया है, थैंक यू टू इंडियन गवर्नमेंट। तो अब ये जो है लापतागंज के अंदर में इसको छोड़ दिया गया है, मगर फिर भी इसकी वर्ल्ड वाइड की पॉपुलैरिटी को देखते हुए मैंने इसको जो है रखा हुआ है नंबर 3 में। इसके बाद में आता है हमारा फेसबुक। फेसबुक के अंदर में जो है मोस्टली अभी जो अब से मोनेटाइजेशन को फेसबुक ने लाया हुआ है, तब तक जो सारे यूट्यूब क्रिएटर होते थे, जो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर होते थे, फेसबुक के अंदर में वो कम थे। तो अब यहाँ पे फेसबुक में वो चीज़ बढ़ चुके हैं जब से उसने वीडियो प्लेटफॉर्म उसके अंदर में लाया है, मोनेटाइजेशन का ऑप्शन लाया है, पैसे कमाने का ऑप्शन लाया है। तो इसीलिए दोस्तों हमारा फेसबुक जो है, ये इस लिस्ट में आपको टॉप ऐप्स के अंदर में आपको जगह दी गई है। इसके बाद में हम चलते हैं यूट्यूब में, जो कि सबसे पहला वीडियो मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर में यूज़र जिसने भी वीडियोस डाले हैं और जो भी वायरल हुए हैं, उन्होंने बहुत पैसा इससे छापा है। तो इसको मैं लिस्ट में जो है 2nd नंबर में देना चाहूँगा यूट्यूब को। और आने वाले टाइम में जो है, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं दोस्तों, जिसके कारण कभी भी यूट्यूब के अंदर में गंदे कंटेंट नहीं होते, वल्गर कंटेंट नहीं होते, जिसके कारण ये बहुत ही अच्छी पोजीशन यहाँ मेंटेन करता है। इसके बाद में दोस्तों नाम आता है हमारा टॉप नंबर 1 में, जिसका नाम है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम को ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं, और इंस्टाग्राम जो शुरुआत में इंस्टाग्राम सिर्फ एक छोटे से रूप में शुरू हुआ था, जिसमें सिर्फ वो अपना इंस्टेंटली जो भी आपका फ़ोटो आता है उसको आप वहाँ पर डालिए, और शेयरिंग ऐप बना था। इसके बाद में आया 2020-2021 का समय, 22 का समय, जिस समय के टिकटॉक पॉपुलर हुआ, और टिकटॉक के पॉपुलर होते हुए यहाँ पे जो है इंस्टाग्राम के अंदर में भी रील्स का ऑप्शन आ गया। और उसके बाद में ये ऐप जो भागा है भाई, जिस तरह से इसने पॉपुलैरिटी गेन की है, जिस तरह से यूथ के अंदर में एक अपनी जगह बनाई है। पहले शुरू में दोस्तों इसके अंदर में बहुत खास कंटेंट नहीं होते थे, सिर्फ कंटेंट में ज़्यादातर वल्गैरिटी होती थी, लेकिन धीरे धीरे फिर इंस्टाग्राम ने, या मेटा ने, इसकी जो कंपनी, उसने इसको संभाला, और अब जो है इसमें बहुत से कुछ क्वालिटी कंटेंट इसके अंदर में आने लगे हैं। क्रिंज कंटेंट अब इसके अंदर में कम होने लगे हैं। अब देखिए आगे जाके क्या होता है, हालांकि अभी 50-50 के रेशियो में आपको दोनों चीज़ें मिल जाती है, तो आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आदमी यहाँ पे अपने अपने कंटेंट देख सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा इसमें यूज़र अपना टाइम स्पेंड करते हैं, इसलिए ये जो है दोस्तों टॉप सोशल मीडिया ऐप में जो है नंबर 1 है इंस्टाग्राम दोस्तों।
तो ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों, और आपका टॉप आपको क्या लगता है कौन सा 2024 में पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रहने वाला है, इसका आंसर लीजिए कमेंट में। इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए टेक वाले यूट्यूब चैनल में। स्टे रॉक।